नमस्कार, मैं प्रगति राज और आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़। नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 12 घंटे से गायब एक होटल संचालक का शव हिलसा बाजार में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मुझे यही लग रहा है कि इनको पीछे बहुत बड़ा चार्जिस रचा गया, इनको कोई हत्या किया है। तो कोई विवाद भी था इनसे? नहीं, कोई विवाद नहीं है, नहीं इनको किसी प्रकार से कोई बीमारी है, कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ आदमी है। हम लोग की तरह स्वस्थ आदमी थे। लापता भी थे? लापता मतलब कि कल शाम से घर पे नहीं आई। अच्छा, कल शाम से घर पे नहीं आए। अब बस वही सवेरे मम्मी लोग देखने के लिए गई। हम पटना में काम करते हैं, हम पटना में रहते हैं, छोटा भाई है वो भी नहीं है, वो भी बाहर गया हुआ है। तो क्या लग रहा है इनके पीछे, क्या लग रहा है कारण, क्या लग रहा है इनको पीछे कुछ जरूर हुआ है? हत्या लग रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, हत्या लग रहा है। किस तरह से हत्या लग रहा है आपको? क्योंकि इनका मुंह से जीव निकला हुआ, नाक से ब्लड चल रहा है इनका। जीव निकला हुआ है, अब ये नाक से ब्लड भी है, अभी कुछ सर माने ना सर। तब बॉडी कहाँ मिला था? बॉडी सर ये जगदेश्वर है ना सर, सर उसको आगे। तो ये मैंने लापता भी थे क्या जी? 12 घंटे से शाम 5 बजे। हिलसा के पटेल नगर में किराए के मकान में रहने वाले होटल संचालक नागेश्वर प्रसाद पिछले 12 घंटे से लापता थे, जिसके बाद परिजनों के द्वारा खोजबीन लगातार की जा रही थी। आज होटल संचालक का शव हिलसा बाजार के आसपास के लोगों के द्वारा देखा गया। वहीं इस घटना के संबंध में मृतक के बेटे का कहना है कि मेरे पिता की हत्या गला दबाकर की गई है, क्योंकि मृतक के शरीर से खून का रिसाव हो रहा है और जीभ भी बाहर निकला हुआ है। गर्दन पर काले रंग का निशान भी पाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि होटल संचालक की हत्या गला दबाकर की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ अस्पताल में भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।